हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर दिव्या श्रीवास्तव। और हमने लास्ट वीडियोस में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसका चैप्टर का नेम है वाइस किंग। और आज इस चैप्टर को हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे हिंदी में, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से लर्न हो जाए। तो इस समय की बात है बहुत पहले की, कि एक राजा था जिसका नाम सोलोमन था। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी विजडम के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता था। एक दिन दो औरतें आपस में लड़ रही थीं, और दोनों का कहना ये था, दोनों दावा कर रही थीं कि उनके पास एक बच्चा था, एक बच्चे को लेके वो लड़ रही थीं। और उन दोनों लेडीज़ का, दोनों औरतों का कहना ये था कि ये बच्चा उनका है। राजा का सैनिक दोनों औरतों को और बच्चे को राजा के उसमें कोर्ट में ले आते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप अब इसका फैसला करिए, डिसाइड करिए कि कौन इसकी असली माँ है। जो किंग सोलोमन था, उन्होंने गॉड से, क्या बोलते हैं, अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी बुद्धि के लिए प्रे करी। फिर औरत से पूछा, पहली औरत से, कि तुम ऐसा क्यों कहती हो बच्चा तुम्हारा है। औरत ने अपनी कहानी बताना शुरू किया कि हे भगवान, हे राजन, मैं और ये औरत साथ में रहते हैं, हम दोनों के एक ही उम्र के बच्चे थे, इसका बच्चा रात में मर गया, और इसने रात में आके मेरे बच्चे से अपने मरा हुआ बच्चे को बदल लिया, मेरा बच्चा ले गई। और जब मैं इसने कब किया, जब मैं सो रही थी, तो मैं असली माँ हूँ, और ये बच्चा मेरा जो है, ये आप मुझे प्लीज़ दे दीजिए। दूसरी औरत ने वहीं पे वो उसने उलझने लगी, वहीं पे राजा से बहस करने लगी कि नहीं राजन, मैं असली माँ हूँ, ये बच्चा मेरा है। दोनों औरतों कहना था कि बच्चा उनका है, कि नहीं राजन, मैं असली माँ हूँ, ये बच्चा मेरा है। दोनों औरतों कहना था कि बच्चा उनका है, और राजा से, दोनों औरतें राजा से कहने लगीं कि ये बच्चा उनको दे दिया जाए। राजा को समझने में दिक्कत हो रही थी कि असली माँ कौन है और ये बच्चा किसे देना चाहिए। किंग सोलोमन ने फिर से गॉड से प्रे करी और उनसे बोला कि मुझे करेक्ट डिसीजन देने के लिए मेरी वो हेल्प करें, मुझे सही बुद्धि दें। उन्होंने अपने पास खड़े सैनिक से बोला कि तुम इधर आओ और आके इस बच्चे को, क्या बोलते हैं, एक तलवार लो, और तलवार से इस बच्चे के तुम दो पीसेस कर दो, और ये बच्चा दोनों औरतों को आपस में डिवाइड कर दो, दोनों को हाफ ऑफ बांट दो। ये सुन के दोनों औरतें बहुत डर गईं, और जो वहाँ पे जितने लोग खड़े थे कोर्ट में राजा के, उसमें सब लोग बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए कि राजा ने ये कैसा डिसीजन दिया है, और अब राजा क्या करेंगे। इतना सुन के कि जब बच्चे के दो पीस होंगे, इतना सुन के एक जो पहली औरत थी वो बुकस के चिल्लाई कि दया करिए भगवान, आप इस बच्चे को, क्या बोलते हैं, दूसरी औरत को दे दीजिए, मेरे बच्चे को मत मारिए, और ये बच्चा उसको दे दीजिए और मेरे बच्चे को जीने दीजिए। इस पे राजा समझ गए कि असली माँ कौन थी। उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इस बच्चे को, उस औरत को दे दिया जाए, वो असली माँ है, और जो दूसरी औरत है उसको जेल खाने में, कैद खाने में लॉक कर दिया जाए, चेनों से उसमें लॉक कर दिया जाए। जो औरत थी बच्चे के साथ, उसने राजा से प्रार्थना करी, निवेदन करी कि हे भगवान, हे राजन, मेरी इसको माफ़ कर दीजिए, शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है और मेरी दोस्त भी है, इसको दंड मत दीजिए, इसको पनिश मत करिए। राजा अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, तो उसने क्या किया, उस औरत को माफ़ कर दिया और उससे कहा कि आज से एक अच्छी औरत बनो, अपनी बहन को और उसके बच्चे को प्यार करो, तुम्हें ये भगवान से बहुत बड़ा तोहफा मिला है, सबसे ग्रेट तुमको ये गिफ्ट मिला है, एक दूसरे की मदद करो और शांति से रहो। दोनों औरतें घर गईं और फिर उन्होंने कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करी। दोनों ने बहुत अच्छे सच्चे मन से बच्चे को प्यार किया और वो दोनों बहुत ही खुशी से एक साथ रहने लगी। तो ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप लोग, आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा और इस स्टोरी को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।